चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है। डिजिटल पेमेंट भुगतान करने का एक तरीका है जो डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल भुगतान में भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है। डिजिटल भुगतान के विभिन्न प्रकार और तरीके हैं। इनमें से कुछ में डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल भुगतान ऐप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, बैंक प्रीपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिंग आदि का उपयोग शामिल है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स चर्चा में क्यों है? डिजिटल ट्रांजैक्शन में पिछले कुछ समय से तेजी देखी जा रही है, खासकर कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रचलन काफी बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का निर्माण किया है। चलिए अब देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है, इसे किस आधार पर बनाया गया है और इसके पैरामीटर्स क्या हैं। डिजिटल इंडेक्स से यह पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट का किस स्तर तक डिजिटलाइजेशन हुआ है। इस इंडेक्स में 5 मुख्य पैरामीटर्स हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया है। उस साल का इंडेक्स 100 माना गया है। आरबीआई के 5 पैरामीटर में पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी शामिल है। 5 पैरामीटर्स अलग अलग समयावधि में देश में डिजिटल पेमेंट के निवेश का आंकलन करने में मदद करेंगे। ये विभिन्न समयावधि में डिजिटल भुगतान की पैठ और स्थिति का आंकलन करते हैं। इन 5 पैरामीटर्स के उपमानदंड भी हैं, जिनमें डिजिटल लेनदेन का पता लगाने वाले विभिन्न संकेतक शामिल हैं। इस इंडेक्स के आंकड़े क्या कहते हैं? आरबीआई के अनुसार मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई 553.47 और 207.84 रहा है। यह अच्छी तेजी का संकेत देता है। आने वाले समय में मार्च 2021 से 4 महीने के अंतर के साथ आरबीआई डीपीआई का प्रकाशन 6 मई आधार पर केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर करेगा। देश में डिजिटल लेनदेन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसके विकास को मापना और विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहलों को लॉन्च करना जरूरी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।